असलम दोस्तों आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक मॉक टेस्ट को लेके जो हमारे किसके रिलेटेड है मैथमेटिक्स के रिलेटेड आज यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन लाए हैं ट्राई करना उनको सॉल्व करने की और मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि आपके कितने ठीक हो गए चलिए मोहन करते हैं अपने क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया था मैंने कि जो हमारे पास अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी वो हमारे पास प्लस अंडर रूट ऑफ वन हैं बराबर किस पे फिफ़्टीन पॉइंट सिक्स फाइव के हमें क्या फाइंड करना है अंडर रूट ऑफ फोर्टी फाइव प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव का वैल्यू हमें फ़ाइंड करना है तो इसका आंसर क्या था आंसर था इसका मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन जो इसका असली में आंसर था वो एट पॉइंट नाइन फोर था क्या था एट पॉइंट नाइन फोर बाकी आप खुद से बना सकते हो जैसे मैं सिक्स एट सिक्स नाइन एट करता हूँ नाइन पॉइंट नाइन एट लिखता हूँ या टेन पॉइंट नाइन एट लिखता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये लेकिन जो इसमें आंसर था वो एट पॉइंट नाइन फोर था चलिए हम देखते हैं कि, कि सॉलो कैसे होता है इसको अप्रोच हम कर कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को देखो अगर आप देखोगे इसमें हम क्या करते हैं सिंपलीफाई करते हैं चीजों को ये किसका क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का तो उसका मान ही है कि क्वेश्चन को पहले स्प्रेड करो चीजों को स्प्लेट करो इनको ईजी बनाओ तो हम लिख सकते हैं ना इसको फोर इंटू फाइव और इसको लिख सकते हैं ना प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव लिख सकते हो ना वो फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव के बराबर होता है फोर इंटू फाइव ट्वेंटी के बराबर होता है इजी है लिख सकते हैं तो इसमें क्या होता है ये बराबर है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फाइव तो अगर हम ये देख सकते हैं ये हम लिख सकते हैं ना टू का स्क्यर क्योंकि टू इंटू टू क्या होता है फोर के बराबर होता है होता है ना तो हम यहाँ पे टू का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू फाइव अंडर रूट के बराबर अंडर रूट के नीचे रखते हैं तो यहाँ पे हम वही लिख, लिख सकते हैं ना फाइव इंटू फाइव का स्क्वायर वही लिख सकते हैं किसके बराबर है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फाइव तो यहाँ पर रूट के साथ ये कट अंडर अंडर रूट के साथ uh, स्क्वायर कट तो यहाँ क्या बचा टू टू अंडर रूट फाइव बचा तो यहाँ पे क्या बचा अगर इसको इसको काटेंगे फाइव अंडर रोड फाइव बचा तो ये किसके बराबर है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फाइव तो हम ये लिख सकते हैं ना अंडर रूट टू अंडर रूट फाइव प्लस फाइव अंडर रूट फाइव तो ये हो जाएगा सेवन अंडर रूट फाइव फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फाइव के बराबर हो जाएगा तो आप लिख सकते हो ना अंडर रूट फाइव जो हमारा है जो अंडर रूट फाइव है वो आप लिख सकते हो ना अंडर रूट फाइव किसके बराबर आप लिख सकते हो वो आप लिख सकते हो फिफ़्टीन पॉइंट सिक्स फाइव डिवाइड बाई किसके सेवन के लिख सकते हो ना ये आपको किसका आंसर निकला अंडर रूट का तो अब हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे दूसरे पार्ट पे जो हमारे पास दूसरा पार्ट था इसका वो क्या था कि अंडर रूट फोर्टी फाइव प्लस अंडर रूट फाइव किसके बराबर होगा तो वो देख सकते हैं। ये आप लिख सकते हो ना नाइन अंडर रूट नाइन इंटू फाइव लिख सकते हो ना प्लस अंडर रूट फाइव तो ये आप लिख सकते हो ना थ्री स्क्वायर इंटू फाइव प्लस अंडर रूट फाइव के बराबर लिख सकते हो ना तो हम इसको क्या बोलते हैं इसको इसको कट कर सकते हैं ये क्या हो जाएगा थ्री अंडर रूट फाइव लिख सकते हो ना प्लस अंडर रूट फाइव याद रखना ये लिख सकते हो ना ऐसे तो थ्री थ्री अंडर रूड फाइव प्लस अंडर रुड फाइव कितना होता है फोर अंडर रुड फाइव तो अब क्या हो सकता है सिंपल से देखो अंडर रुड फाइव का हमने वैल्यू यहाँ पे निकाला था तो क्या करोगे सीधे पुट करोगे फोर इंटू फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फाइव फोर इंटू सिक्स फिफ्टी पॉइंट फाइव डिवाइड बाई सेवन अगर आप यहाँ पे देखोगे फोर फाइव क्या होता है ट्वेंटी होता है टू ऊपर चढ़ा फोर सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू ऊपर जाए फोर फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी टू हो गया टू ऊपर जाए फोर वन आ फोर फोर और सिक्स होता है तो पॉइंट कितने बार है दो, दो के, बाद, से, दो के बाद आएगा दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा तो ये क्या हमारे पास सिक्स आ गया सिक्सटी आ गया डिवाइड बाई तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे अगर हम डिवाइड करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा तो हमें तो टेबल याद है तो हम कर सकते हैं ना सेवन इंटू एट कितना हो गया फिफ्टी सिक्स सेवन इंटू नाइन कितना हो गया सिक्सटी थ्री तो हमारा वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए एट और नाइन के बीच में यहाँ पे अगर हम बाकी ऑप्शन देखेंगे वो क्या है ये इससे या तो कम है या तो ज़्यादा है यहाँ पे इसके बीच में कौन पड़ता है वो हमारे पास एट पॉइंट नाइन फोर पड़ता है वो एट और नाइन के बीच में तो देट मीनस ये क्वेश्चन हमारे पास ठीक होगा ये होता है कैसे हम फिर अप्रोच करते हैं किसी मतलब कोई फार्मूला बना के हम कैसे ऑप्शन को पुट इन करते हैं कोई सिचुएशन बना के हम वहां पे हम सीधे आंसर के थ्रू बोल सकते हैं कि इसका ये आंसर होगा अब कौन करता है डिवाइड फिर मैं वो कर, फिर मैं उसको फर्दर स्प्लिट करता और फिर मैं आंसर निकालता है पॉइंट्स के थ्रू तो वो करने से मैं सीधे किस पे आया ऑप्शन पे नाउ हम मूव करते है, हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू जो हमारे पास था ये था किससे नंबर सिस्टम से कहां से था नंबर सिस्टम से अगर हम इसमें क्या करना था हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना था इसके ऑप्शंस क्या थे वन थ्री फोर और सेवन इसके ऑप्शन थे और जो आंसर था वो फोर था जो मेरे बाकी दोस्त हैं वो पहले इसको ट्राई कर सकते हैं पास कर सकते हैं वीडियो को पहले खुद सॉलो करेंगे फिर वीडियो पे आएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको जब आपको लगेगा कि नहीं हो पाया जब होगा तब भी देखिए कि अच्छा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर नहीं हो पाया तो मेरे साथ बने रहिए कि मैं कैसे इसको सॉलो करता हूँ तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ तो मैं यूनिट डिजिट को ही उतारता हूँ टू रेजड पावर 170 लिख सकता हूँ ना थ्री रेजड पावर 172 लिख सकता हूँ ना यहाँ पे क्या करते हैं फोर रेज पावर 174 लिखता हूँ ना और सिक्स रेजड पावर 176 लिख सकता हूँ अगर आपने रिमाइंडर थॉर्म पढ़ी होगी तो उसमें हम क्या कर ते हैं अगर हमें पावर को रिड्यूस करना होता है तो हम कैसे करते हैं कि हम फोर से इसको डिवाइड करते हैं फिर जो रिमाइंडर आता है वही इसका पावर लेते हैं तो फोर से हम अगर हम इन टू डिजिट्स को अगर हम लेंगे अगर ये पूरा मतलब अगर इसको ये पूरा डिजिट डिज, डिज, मतलब जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा वो इस पूरे डिजिट का भी रिमाइंडर आता है पहले मैं आपको उसका प्रूफ दिखाता हूँ देखो पहले मैं सेवेंटी लेता हूँ अगर मैं फोर वन ना फोर लेता हूँ तो यहाँ पर सीधे करते हैं फो, फोर फोर वन आ फोर तो यहाँ पे क्या आया थ्री ये आया नीचे थर्टी फोर सेवन आ ट्वेंटी एट तो बचा कितना टू तो टू क्या आया हमारे पास रिमाइंडर अब मैं पूरा वन सेवेंटी ही लेता हूँ मैं देखता हूँ इसमें क्या हो जाएगा फोर फोर आ सिक्सटीन क्या हो गया वन बज गया यहाँ पे टेन आ गया फोर टू आ एट तो टू ही रिमाइंडर आया दैट मीन्स मैं लास्ट के दो डिजिट पे भी निकाल सकता हूँ इसको मैं सीधे लिखूंगा अब टू रेज और टू हो गया ना खत्म तो इसके बाद क्या होता है सेवेंटी टू अगर मैं सेवेंटी टू को देखूंगा फोर वन आ फोर थ्री इधर जाएगा फोर वन आ फोर थ्री इधर जाएगा थर्टी ये फोर एट आ थर्टी टू हो जाएगा दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा सीधे थ्री रेज पावर फोर जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा हम उसका कैर लेते हैं रेज़ पावर फोर लेते हैं ना इसके बाद क्या होता है यहाँ पर यहाँ पे क्या होगा सिंपली यहाँ पे अगर हम देखेंगे फोर वन आ फोर फोर एट आ थर्टी टू यहाँ पर भी रिमाइंडर ये पावर क्या आ जाए रिमाइंडर टू आएगा वो पावर बन जाएगा फोर रेजिड पावर टू इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो आएगा जिसका रिमाइंडर जीरो होता है इतना याद रखिए उसका क्या हो जाएगा रेजिड पावर फोर से हो जाएगा ना अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसको हम टू रेज टू तू, टू रेज पावर टू कितना होता है फोर होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना इसको नाइन इंटू नाइन क्योंकि थ्री रेज पावर टू नाइन होता है थ्री पावर टू नाइन

तो यहाँ पे क्या हो गया सिक्स नाइन हजार क्या होता है फिफ्टी फोर अगर हम देखेंगे सिक्स नाइन हज़ार फिफ्टी फोर होता है फोर इंटू नाइन कितना होता है थर्टी सिक्स होता है तो यहाँ पे सिक्स आ गया और सिक्स इंटू फोर क्या होता है ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे हमारे पास फोर आ गया दैट मीनस ये क्या है हमारे पास हमारे पास क्या आ गया यूनिट डिजिट पर फोर आ गया तो हम क्या करते हैं सीधे मतलब जो यूनिट डिजिट पर आएगा उसी को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें क्या हमें फाइंड ही तो यूनिट डिजिट अगर कुछ और होता तो हम कोई और अप्रोच लेते लेकिन हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है था तो हमने यूनिट डिजिट को ही लिया तो ये था इस क्वेश्चन का सोलूशन ना इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे यहां पे अगर आप देखोगे ना आपको यहाँ पे क्या बोलता है कि जो सेल ऑफ द सिनेमा टिकट है वो इंक्रीज हो गई है इस परसेंटेज से और जो अगर हम आप देखोगे जो हमारे पास टिकट की जो प्राइस हुई है वो इस हिसाब से इंक्रीज हो गई है हमें क्या बताना है कि जो रेवेन्यू है वो किस हिसाब से चेंज हुआ है वो जो रेवेन्यू है वो वो किस हिसाब से चेंज हुआ है यहाँ पे हमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हमें परसेंटेज वैल्यूज याद रखने हैं पहले हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या थे इसके जो ऑप्शन थे अगर आप एट्टी थ्री वन बाई थ्री था एट्टी थ्री टू बाई थ्री था और इसके बाद ट्वेंटी परसेंट था और क्या था नन याद रखना नन था ये इसके ऑप्शन थे और जो इसका आंसर था वो था एटी थ्री वन बाई थ्री तो हम देखते हैं ये आंसर आता कैसे है ना चलिए हम ऑन करते हैं आंसर को मैं वहीं पे रखता हूँ तो हम यहाँ पे आते हैं देखिए अगर हम फिफ्टी सेवन वन बाई सेवन देखेंगे ये किसके बराबर होता है ये अगर आपको किसी ने भी बोला ये फोर बाई सेवन के बराबर होता है कैसे फोर बाई सेवन के बराबर होता है वन बाई सेवन कैसे किसके बराबर होता है फोटीन टू बाई सेवन के होता है ये तो आपको पता होगी अगर मैं इसको फोर से मल्टी यहाँ से भी फोर से मल्टीपल है, यहाँ से भी फोर से मल्टीपल है ये फोर फोर सा सिक्सटीन, फोर वन सा फोर और उसका वन कितना हुआ फिफ्टी सिक्स ये हुआ एट बाई सेवन तो इसको फर्दर करते हैं ऐसे करते हैं ना फोर सेवन एट यहाँ पे सेवन वन सा सेवन सेवन तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर रह गया वन इसको मैं लिख सकता हूँ तो इसको इसको मैं क्या लिख सकता 57, सेवन, इसको करके यहां पे 57, सेवन. तो ये प्रोसेस ऐसे आ जाती है तो इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे जो हमारे पास फिफ्टी सेवन वन बाय सेवन जो है वो किसके बराबर है फोर बाई सेवन के इतना तो आपको समझ आया तो इसी तरह से सिक्सटीन टू बाई थ्री जो हमारे पास बराबर होता है वो वन बाई सिक्स के बराबर होता है ना हमें यहां पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है जो हमारे पास सेल होती है ना सेल इंटू प्राइस सेल इंटू प्राइस वो किसके बराबर होता है वो रेवन्यू के बराबर होता है किसके बराबर होता है रेवन्यू के बराबर अब ये क्यों बोलता है कि सेल किस हिसाब से इंक्रीज हो गई फिफ्टीन सेवन तो हम बोल सकते हैं ना सेल पहले ओल्ड क्या थी ओल्ड हम बोल सकते हैं ना इस हिसाब से सेवन थी इंक्रीज कितनी हो गई फोर हो गई तो कितना बन गया न्यू कितना बन गया इलेवन बन गया तो यहां पे आप क्या कर सकते हो अगर ये हो गया तो प्राइस किस हिसाब से था प्राइस क्या था सिक्स था पहले ओल्ड सिक्स था बन क्या गया बन गया सेवन क्या बन गया सेवन तो आप ये लिख सकते हो ना सेवन सिक्स हजार सेवन सेवन हज़ार फोर्टी नाइन सेवन सिक्स हजार क्या होता है फोर्टी टू फोर्टी टू होता है याद रखना अलेवन इंटू अलेवन सेवन क्या होता है सेवेंटी सेवन अगर आप इसमें डिफरेंस देखोगे सेवन से फाइव निकलेगा तो इधर पर सेवन से फोर निकालोगे तो थर्टी फाइव अब ये क्या बोलता है कि जो परसेंटेज ऑफ रेवन्यू रहा है परसेंटेज ऑफ रेवन्यू किसके ऊपर हमें देखने हैं ओल्ड क्या क्या आया पे ओल्ड में क्या था 42 हमारे पास चेंज क्या आ रही है 35 तो हम कर सकते हैं ना 35 ओवर किसके ऊपर 42 के ऊपर इनटू हंड्रेड तो आप इसको लिख सकते हो ना 75 35 76 42 5/6 हंड्रेड क्या लिख सकते हो 5/6 हंड्रेड तो अगर आपको इसको फर्दर कर सकते हो ना डिवाइड आप अगर आपको पता होगी एक चीज वन बाई सिक्स किसके बराबर होता है अगर आपको किसी ने भी बोला होगा कि वन बाई सिक्स किसके बराबर होती है वो होती है सिक्सटीन टू बाई थ्री तो हम लिख सकते हैं ना इसको फाइव से ये दो हंड्रेड को हटाओ अगर आपको वन बाई सिक्स पता है तो आप इसको कर लो तो यहाँ पे अगर देखोगे फ़ाइव सिक्स हज़ार फाइव सिक्स हज़ार सीधे करो फाइव सिक्स हज़ार थर्टी होता है और फाइव वन सारा थ्री फाइव वन सार फाइव और ये हो गया एट्टी और यहाँ पे ये टेन बाई थ्री हो गया आप इसको लिख सकते हो ना एट्टी यहाँ पे इसको थ्री बाई टेन थ्री थ्री सार नाइन यहाँ पे क्या बचा वन इसको आप लिख सकते हो ना वन वन क्या है ये वन इंटू ये है थ्री इंटू थ्री इंटू वन ये आप ऐसे लिख सकते हो ना थ्री इंटू थ्री वन बाई यहाँ पे क्या था एट्टी तो आप इसको लिख सकते हो ना एट्टी थ्री वन बाई थ्री तो ये हमारे पास आंसर था तो सिंपल था परसेंटेज से ये सारा कुछ सॉल्व हो जाता है था तो इसको ऐसे अप्रोच करना था नाउ हम इस क्वेश्चन पे आते हैं देखिए यहां पे क्या था हमारे पास क्वेश्चन ये था हमारे पास किस किस से रैशो से रैशो एंड प्रोपोर्शन से तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलता था कि ये जो ये अमाउंट है ये डिवाइड करना था पी क्यू आर में किस हिसाब से करना था पी में गेट टू इज टू थ्री एज मच एज किसका का क्यू का क्यू एंड आर का क्यू एंड आर का क्यू प्लस आर का यस इस तरह से करना था और क्यू प्लस आर किसका लेता था फोर बाई फाइव ऑफ पी आर एंड आर टुगेदर हमें किसका फाइंड करना था R का शेयर फाइंड करना था तो यहाँ पे जो options थे हमारे पास वो क्या थे वो हमारे पास 600 था 700 था और क्या था 900 था और था 1000 याद रखना इसमें क्या था आंसर 700 चलिए हम देखते हैं ये 700 आता कैसे था इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे मैं 700 लिख के रखता हूँ देखिये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना पी जो बराबर है जो पी है जो पी है बराबर पी में गेट टू बाई थ्री किसका टू बाई थ्री एज मच एज क्यू प्लस आर जो क्यू और आर का टुगेदर होगा क्यू प्लस आर होगा ना इनका टुगेदर टू बाई थ्री ऑफ क्यू प्लस आर यही लेगा ना और क्यू क्या लेगा फोर बाई फाइव किसका क्यों क्यों किसका लेगा वो लेगा फोर बाई फाइव किसका पी प्लस आर का किसका पी प्लस आर का तो ये थे हमारे पास दो तो हम लिख सकते हैं ना पी बाई क्यू क्यू प्लस आर होगा टू बाई थ्री के बराबर तो और यहाँ से हम लिख सकते हैं ना क्यू बाई पी प्लस आर होगा किसके बराबर फोर बाई आर के बराबर तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम इन दो का अगर आप इसका देखेंगे ये कितना होता है ये होता है फाइव के बराबर और ये किसके बराबर होता है ये किसके बराबर होता है नाइन के बराबर तो चलिए हम इसका लेते हैं लासामा क्या जिसको हम बोलते हैं एल सी एम लासामा तो वो कैसे होगा इसको किससे करेंगे इसको नाइन से करेंगे इसको नाइन से करेंगे इसको इसके साथ फाइव से करेंगे ताकि हमें राशियो डायरेक्ट मिल जाए कैसे नाइन टू ज़ार एटीन नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन वही हो गया एटीन बाई ट्वेंटी सेवन और ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये किसके बराबर निकलेगा ये निकलेगा फोर फाइव जोर ट्वेंटी और फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव याद रखना ये कितना निकला ये कितना निकला ट्वेंटी फाइव अगर हम टोटल देखेंगे टोटल किधर यहाँ पर भी फोटी फाइव आ गया ना सेवन एटा सेवन प्लस सेवन होता है फोटीन फोटीन और एट फाइव और यहाँ पर कितना हो गया टू टू फोर हो गया ना 45 अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 45 ही हो गया ना हमें यहाँ पे क्या मिल गया अगर आप देखोगे क्या क्या मिल गया p का वैल्यू टू नाइनाटीन पी का वैल्यू कितना निकल निकल गया अगर हम देखेंगे p का वैल्यू कितना निकल गया वो निकल गया टू नाइना एटीन वो हमारे पास एटीन निकला और अगर हम देखेंगे ये q का वैल्यू क्या निकला वो निकला फोर इंटू फाइव कितना निकला ट्वेंटी कितना निकला ट्वेंटी अगर हम तीनों का देखेंगे तीनों का कितना निकला फोर्टी फाइव निकला ना तो तीनों का कितना निकला Uh, अगर हम तीनों का देखेंगे तीनों का कितना निकला फोर्टी फाइव कितना निकला तीनों का कितना निकला फोर्टी फाइव तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ना ये थर्टी एट थर्टी एट माइनस किस से फोटी फाइव से निकाल सकते हो ना फोर्टी फाइव से ये कितना होट और सिक्स होता है फोटीन तो एट सेवन लिख सकते हैं तो ये कितना निकला हमारे पास सेवन अब हमें फ़ाइंड क्या करना है तो हम वो कर वो कर सकते हैं ना इजीली यहाँ पे हमें रैशो मिल गया तो हम फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड कर सकते हैं ना यहाँ पे हमें 45 निकला था तो हम लिख सकते हैं ना फोर्टी फाइव जो है बराबर वो किसके बराबर है फोर्टी फाइव हंड्रेड के फोर्टी फाइव हंड्रेड के तो वो वन यूनिट कितना निकलेगा आपका हंड्रेड के बराबर तो आप बोल सकते हो ना सेवन यूनिट किसके बराबर होंगे सेवन हंड्रेड के कैसे सेवन इंटू हंड्रेड ये हो गया ना सेवन हंड्रेड के दैट मीनस इसका आंसर क्या था सेवन हंड्रेड तो ये था इस क्वेश्चन का सोलूशन ईजी अप्रोच था यहाँ पर एल्सीम लेना था तो हमारे पास क्या निकला तो टोटल जो इनका टोटल समअप था वो कितना निकलता था फोर्टी फाइव निकलता था और हमारे पास यहाँ यहां पे किसका निकलता था लासामा से हमारे पास पी और क्यों का वैल्यू निकलता था तो हम हम पे 45 जब देखे, देखते थे 45 से हम इसको 38 को माइनस करते थे तो सेवन का हमें आर जो फोर्टी फाइव को हम किसकेट लेते थे फोर्टी फाइव हंड्रेड के वहां से हम क्या निकलते थे वन का से. और उस से जो हमें वैल्यू आता था हंड्रेड का उसको हमने किसके साथ किया के साथ मल्टीप्लाई क्योंकि हमें सिर्फ यही जरूरत थी आप इसका भी फाइंड कर सकते हो इसका भी फाइंड कर सकते हो तो हम फर्दर मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे वो आप खुद भी कर सकते हो नाउ इसके बाद आता है हमारे पास ये वाला रिमाइंडर वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या बोलता है ये फाइंड द रिमाइंडर हमें क्या करना है रिमाइंडर फाइंड करना है किसका 2 रेज पावर 40 जो हमने डिवाइड किया है किससे 9 यहां पे मैं पहले क्या करता हूं आपके साथ ऑप्शन शेयर करता होता यहां पे 7 था एट था वन था और क्या था जीरो था तो इसका आंसर था सेवन क्या था सेवन तो अब हम देखते हैं अप्रोच कैसे होता था तो ये हम लिख सकते हैं ना टू रेज पावर फोर्टी डिवाइड बाई नाइन ऐसे तो लिख सकते हो ना कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना टू रेज पावर वन इंटू टू रेजेड पावर क्या लिख सकते हो थर्टी नाइन लिख सकते हो ना डिवाइड बाई नाइन लिख सकते हो ना मतलब मैंने इसको ब्रेक किया क्योंकि वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड इतना तो आपको पता ही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे टू रेजड पावर वन इंटू इसको अब इसको मैं भूल जाऊँगा अभी थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ इसको लिखूँगा यहाँ पे इसको बोल जाइए देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ना टू रेजेड पावर थ्री इंटू थर्टीन ऐसे लिख सकता हूँ ना थ्री 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 या नाइन थ्री वन थर्टी थर्टी नाइन फिर से हो गया ना देखो मैंने ये किया क्यों देखो अगर आप देखोगे ना ये मैं लिख सकता हूँ ना टू रेजर पावर वन इंटू एट रेजर पावर थर्टीन तो इंटू नाइन यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर थेरम के हिसाब से देखूंगा इसका जो हमारे पास ये आएगा या तो मैं रिमाइंडर इसमें वन लूँगा क्या लूँगा ऐसे एट बाई नाइन या तो मैं इसका एट ले सकता हूँ या तो एट आएगा या तो क्या आएगा माइनस वन आएगा याद रखना या तो एट आएगा या तो माइनस वन आएगा माइनस वन कैसे आएगा देखो कैसे आएगा अगर मैं एट लूँगा तो इसको इसके अंदर लूँगा नाइन वन ज़र नाइन नाइन वन ज़र नाइन यहाँ पर क्या बचा माइनस वन ये है ना ये एट है ये नाइन वन सर नाइन तो यहाँ पे माइनस वन आ गया आ गया ना तो ऐसे ही ये आता है तो अब यहाँ पे क्या हो गया ये तो ज़रूरी लिखना था यहाँ पे मैं एट यहाँ पे मैं माइनस वन हाँ तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना टू रेज पावर वन इंटू किसके बराबर है माइनस वन के बराबर है किसके बराबर है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना माइनस वन के बराबर लिख सकता हूँ डिवाइड बाई किस से नाइन से तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना टू इंटू माइनस वन ये कितना हुआ माइनस टू डिवाइड बाई नाइन तो हमारे पास जो हमारे पास रिमाइंडर वो कभी भी माइनस में अब हमारे पास वैल्यू माइनस में नहीं आ सकता क्या नहीं आ सकता हमारे पास रिमाइंडर अब माइनस में नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं नाइन माइनस टू तो वो किसके बराबर आएगा सेवन के बराबर आएगा किसके बराबर आएगा सेवन के बराबर आएगा तो वही हमारे पास इसका आंसर था सिंपल क्या था कि जो हमारे पास रिमाइंडर होता है ना रिमाइंडर के थ्रू जिससे हमें वैल्यू ईजी होता है निकालना तो हम उसी अप्रोच से इसमें जाते हैं तो ये था इसका अप्रोच था ऐसे तो इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो था रेश्यो बेस्ड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है इसको समझने के लिए मतलब थोड़ा सा मतलब दिमाग को ना थोड़ा सा बोलते हैं ना फ्रेश कर दो और ये सुन लो मतलब बात कर लो पहले दिमाग को फ्रेश कर लो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएंगे तो देखिए यहां पे क्या बोलता है कि जो हमारे पास इनकम है ए बी और सी वो किस रेशो में है थ्री इज़ टू फोर इज टू सेवन और जो उनका रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर है फोर इज टू थ्री इज टू फाइव है और यहाँ या अगर ए सेव करता है थ्री हंड्रेड आउट ऑफ ट्वेंटी फोर मीनस इसकी ट्वेंटी फोर हंड्रेड ए इनकम है और थ्री हंड्रेड ये सेव करता है फाइंड द सेविंग ऑफ सी इसी के हिसाब से हमें से सी की सेविंग लिखती है तो हम लिख सकते हैं ना ए इज़ टू बी पहली चीज़ पहले इसका ऑप्शन क्या था आप पूछोगे ऑप्शन क्या था कि हम खुद सॉलो करते हैं तो आप मैं ऑप्शन देता हूँ आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए पहले देखिए इसका ऑप्शन था फाइव सिक्स फाइव ये थे इसके ऑप्शन क्या थे और जो आंसर था वो फाइव सेवन फाइव था याद रखना वो क्या था फाइव सेवन फाइव था नाउ अगर आपको किसी ने भी बोला कि अब ये कैसे है ये एज़ टू बी इज़ टू सी है इसका जो क्या है इनकी जो इनकम है इनकम मैं यहाँ पे इनकम लिखता हूँ इनकम किस रेशो में है वो है थ्री इज़ टू सेवन इज़ टू फोर की रेशो में है किसकी रेशो में है थ्री इज़ टू फोर इज़ टू सेवन की रेशो में है तो अगर हम अब इसके बाद देखेंगे इनका एक्सपेंडिचर क्या था एक्सपेंडिचर अगर आपको कोई भी बोलेगा वो किसके हिसाब से था फोर इज टू थ्री इज टू फाइव के हिसाब से था किसके हिसाब से था ए, ये अगर हम ये बोलता था कि ने अगर सेविंग सेविंग अगर हम देखेंगे ए ने सेव कितना किया थ्री हंड्रेड कितना किया सेव कितना किया थ्री हंड्रेड किस में से ये किया इनकम कितनी थी इसकी इनकम थी इसकी ट्वेंटी फोर हंड्रेड कितनी थी इन इनकम ट्वेंटी फोर हंड्रेड नाउ अगर आप एक चीज़ रेशो में अपने अगर आपने याद रखना अगर आप इसको थ्री हंड्रेड इसकी सेविंग थी थ्री थ्री हंड्रेड सेविंग थी तो ट्वेंटी वन हंड्रेड क्या होगा इसका 2100 वन हंड्रेड इसका क्या होगा वो इसका एक्सपेंडिचर होगा ये तो सीधी सी बात है ना ट्वेंटी फोर हंड्रेड इसकी सेविंग है ये ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हंड्रेड इसकी इनकम है थ्री हंड्रेड इसकी सेविंग है तो उसमें से ट्वेंटी फोर हंड्रेड में से निकाल दीजिए ना थ्री हंड्रेड तो इसकी एक्सपेंड ये कितनी रहेगा एक्सपेंडिचर कितना रहेगा वो कितना रहेगा वो आपको ट्वेंटी वन हंड्रेड तो आप बोल सकते हो ना रेशो में अगर मैं इसको थ्री इंटू एट करूँ वो ट्वेंटी फोर हंड्रेड निकलता है तो मैं यहाँ पे भी रेशो में क्या करता हूँ मैं अगर मुझे यहाँ पे इंक्रीज़ करना है मैं ये ये भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होता होगा ये भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो सकता होता होगा तो ये रेशो का एक मतलब अगर मैं यहाँ पे इंटू एट हंड्रेड करता हूँ यहाँ पे भी करना पड़ेगा यहाँ पे भी करना है पड़ेगा तभी तो ये रे, अपना रेशो जो है वो मैंटेन रखेंगे रखेगा तो फॉर एग्जाम्पल वन इज टू है मुझे अगर मुझे वन इज टू टू रेशो को दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना है मैं इसको क्या करूँगा यहाँ से भी फोर इंटू यहाँ से फोर से करूंगा तो ये क्या बन जाएगा फोर इज टू तो एट तो ए... इनशली असल में ये क्या है ये वन इज टू टू ही है ना बट मैंने क्या किया है इसको क्या किया है मल्टीप्लाई किया है फोर से इसको मैंने इस फॉर्म में लाया है वही चीज़ तो यहाँ पे भी हुई है ना तो अगर ये ये मल्टीप्लाई है किसका एट हंड्रेड का तो ये भी तो हो गया ना मल्टीप्लाई किसके एट हंड्रेड के ही तो यहाँ पे ये क्या निकलेगा बी क्या निकलेगा फिफ्टी सिक्स हंड्रेड सेवन एट सर फिफ्टी सिक्स हंड्रेड वही होता है ना सेवन एटा फिफ्टी सिक्स और फोर एटा कितना होता है थर्टी टू हंड्रेड याद रखना ये भी एट से ही इंक्रीज होता होगा अगर यहाँ पे तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा अगर ये इसके हिसाब से तो ट्वेंटी 21 वन को ट्वेंटी वन हंड्रेड को करिए फोर से डिवाइड तो आपको निकलेगा वन सेकेंड फोर फाइव 20 ट्वेंटी फोर फाइव आर ट्वेंटी फोर फाइव आटी यहाँ फोर टू क्या होता है एट फोर फाइव आ ट्वेंटी फाइव टू फाइव यहाँ से इसको फाइव टू फाइव हमें क्या क्या हुआ है यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें फाइंड किसका करना है सी की सेविंग फाइंड करनी है तो यहाँ पे भी तो फाइव टू फाइव से ही हुआ होगा ना मल्टीप्लाई तो ऑब्वियस ओब्वियसली बात है फाइव टू फाइव से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या निकलेगी एक्सपेंडिचर तो हमें सेविंग फाइंड इसकी करनी है देखिए हम क्या करेंगे फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू फाइव तो करिए ना फाइव टू फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव टू चढ़ा कैरी बाई टू जो टेन ट्वेल्व यहाँ पर क्या हो गया फाइव वन आ फाइव 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 ट्वेंटी और 26 ये क्या हुआ टू सिक्स टू फाइव हमारे पास आंसर निकला तो ये क्या है ये एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर है फाइंड क्या करना है सेविंग करनी है तो वो किस के थ्रू करूंगा मैं 3200 टू माइनस टू सिक्स निकालूंगा तो निकलेगा क्या यहाँ पे ये टेन यहाँ से क्या आएगा टेन अगर आप यहाँ से देखोगे टेन तो फ़ाइव आ गया अगर आप यहाँ से देखोगे कितना बचा यहाँ पे नाइन बचा तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन और अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वन तो सिक्स और फाइव यहाँ पे इलेवन बचा तो सिक्स और फाइव तो वो कितना होगा इसका फाइव सेवन फाइव जो मैंने सॉल्व होता है तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ पहले क्वेश्चन को क्या है ये क्या बोलता है कि कोई हमारे पास अमाउंट है तो इस उस अमाउंट को कोई भी अमाउंट ले लो आप कि उस अमाउंट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो कि जो पहला पार्ट होगा वो दस साल के बाद और जो दूसरा पार्ट होगा वो सात साल के बाद एक दूसरे के इक्वल होगा यही है क्वेश्चन नाउ फर्स्ट यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना कंप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन सॉलू करते हैं देखो कॉन्सेप्ट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का इसमें क्या होता है देखिए अब इसमें क्या होता है हमें एक चीज़ होती है अगर हम हर किसी चीज इसमें देखेंगे एक तो अमाउंट होता है तो और एक इंटरेस्ट होता है क्या होता है इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी अमाउंट लेंगे हम को, कोई भी रुपीज़ उस पर हमें क्या लेता है उस पर हम इंटरेस्ट कोई देते हैं तो उस पर हमें फ़ाइनल अमाउंट मिलता है याद रखना फाइनल अमाउंट मिलता है अभी हम प्रिंसिपल और बाकी चीज़ों की बात नहीं करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर हम एक सिंपल सा एक थाउजेंड रुपीज़ का एक कैश उठाते हैं तो हमने एक लैंडर से ये उठा दिया तो कोई भी शॉपकीपर है किसी से भी आप लोग तो उसने आपको बोला कि मुझे इस पर दस परसेंट का इंटरेस्ट देना है क्या देना दस परसेंट का इंटरेस्ट देना लेकिन इंटरेस्ट कैसे देना दो साल के लिए आपने ले लिया उसने आपको बोला मैं आपको दो साल के लिए दूंगा लेकिन दो साल के लिए कैसे दूंगा कि मैं आपको कौन किस पर देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैसे कि जो अमाउंट बन जाएगा पहले साल उस पर मैं आपका और इंटरेस्ट लूँगा मतलब क्या है इस बात का देखिए क्या मतलब है देखो जब मैं हज़ार का पहली बार देखता हूं टेन परसेंट आपको पता है टेन परसेंट क्या होता है वन बाई टेन अगर हम यहां पे देखेंगे वन बाई टेन डिवाइड बाई थाउजेंड होता है हंड्रेड रुपीज का इस पर पहला इंटरेस्ट कितना बन जाएगा सौ रुपए का इंटरेस्ट बन जाएगा नाउ ये कितना बन जाएगा जब हम इसको एडप्ट करके देखेंगे फाइनल अमाउंट तभी मैंने अभी प्रिंसिपल एंड uh, मैंने सीधे अमाउंट और अमाउंट की फाइनल अमाउंट की बात की नाउ यहां पर क्या होता है कि जो फाइनल अमाउंट मेरे पास बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा वो ग्यारह सौ रुपये इसका बन जाएगा नाउ ये तो पहले साल की बात है पहले साल आपका इतना बन जाएगा अब दूसरे साल ये इसको बेस अमाउंट लेगा जो यहाँ पे इसने पहला अमाउंट लिया था ना बेस अमाउंट तो इसी को अब ये यहां पर बेस अमाउंट लेगा यहां पर क्या होगा अलेवन के हिसाब से तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर से टेन किस पर लेगा इस अलेवन हंड्रेड तो ये कितना हो जाएगा ये 10, 10, वन जीरो होगा वन होगा नाउ अगर आप फाइनल देखो कि फाइनल कितना देना पड़ेगा आपको जीरो एंड uh, फिर हो गया वन एंड ये हो जाएगा टू mm, और ये ये हो जाएगा बारह सौ दस रुपये कितना हो जाएगा बस बारह सौ दस रुपये नाव आपको इसको वापस कितना करना है बारह सौ दस रुपये नाव यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हमारे पास अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी चेंज होता है क्या हो जाता है अगर आपके पास कोई अमाउंट एक तो जो हमारे पास अमाउंट होगा कोई भी मुनी होगा मुनी पैकेज होगी कोई भी एक तो वो चेंज हो जाएगी एंड जो हमारे पास जो इंटरेस्ट होगा जैसे यहां पे पहले लगा था अब ये साव का साव पैसे का मुझे इंटरेस्ट लगा था अब मुझे वही इंटरेस्ट चेंज करके 110 देना पड़ रहा था दैट कि मुझे यहां से यहां से पहुंच जाता जाता है चेंज इन इंटरेस्ट भी आ जाता है दूसरी चीज क्या होती है इसी के साथ ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ किसका कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरी चीज होती है एस सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होती है कि ये क्या होता है अगर मैं पहले साल देता हूं सौ रुपए ये दूसरे साल भी वही सौ रुपये ही होगा फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कितना दिया था पहले हजार रुपए दिया था तो वो कितना सातना ग्यारह सौ तो मैं फिर से दूंगा ही तो ये हो जाएगा बारह सौ मुझे ये दस रुपए एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ेंगे दिस वॉज टोटली अबाउट किसके बारे में था ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अब अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे पहले करता हूं मैं डिलीट तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं देखो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नन्ही सी फॉर्मूला दूंगा आपको एक फार्मूला से आपको ये सॉल्व हो जाएगा बिना किसी मतलब बोलते हैं ना हिचकी के ये सॉल्व हो जाएगा एक फार्मूला पे अगर आपने एक फार्मूला को याद रखा होगा वो बोलती है जो हमारे पास अमाउंट जो हमेशा होता है वो बराबर होता है जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल इंटू वन प्लस कितना आर ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय हंड्रेड और इनटू मल्टीप्लाइड ये रेज़ पावर एन ये क्या होता है इसमें मैं हर कोई बोलूंगा ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट याद रखना प्रिंसिपल अमाउंट ये चीज़ें याद रखना प्रिंसिपल अमाउंट ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी ने भी बोला ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये जो होता है ना ये आपको पता ही है परसेंटेज के साथ उसको क्या अगर हम किसी वैल्यू में लाना है तो उसको डिवाइड बाई हंड्रेड करते हैं हमेशा तो ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स याद रखना नंबर ऑफ ईयर्स नाउ पहले इस फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको सॉल्व करता हूँ चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस फार्मूला को मैं इधर चिपकाता हूँ देखिए ताकि आपको ये नजर में रहे इधर चिपकाते इस फॉर्मूला को चलिए ये तो दिख रही है ना आपको नाउ क्वेश्चन में यहां से लूंगा मैं क्या करूंगा मैं ये अमाउंट लेता हूं वन टू थ्री जीरो ना अमाउंट इसको मैं देखो टू पार्ट्स में डिवाइड करना है ना पहला कितने में होगा सेवन ईयर्स में होगा दूसरा कितने में होगा टेन ईयरस में होगा यही है ना टोटल गैप कितनी है थ्री ईयर्स ये भी मैं याद रखना ये भी याद रखना तीन ईयर्स की गैप है नाउ अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे वो बीस परसेंट होता है एंड हम यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट ए लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी लेते हैं वो तो अपने तक ही है क्योंकि हम अपने हिसाब से इसके बाद में आपको एक और मेथड दिखाता हूँ उसमें क्या दिखाता हूँ अपने हिसाब से कैसे डाटा को करते हैं नाउ इसमें क्या होगा सॉरी नौ इसमें क्या होगा अगर आप यहाँ पे देखो कि इसमें क्या हो जाएगा कि मैं क्या करूँगा अब मैं इसको फार्मूला में पुट करूंगा फार्मूला में पुट करूंगा हमें क्या है ये जो ये वाला अमाउंट है ये किसके बराबर होना चाहिए इस वाले अमाउंट के बराबर होना चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ ना ए इंटू वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता ही है कितना है ट्वेंटी परसेंट डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू कितना नंबर ऑफ ईयर कितना है सेवन इज इक्वल टू कितना है बी इंटू ये तो आप लिख सकते हो ना वन प्लस ट्वेंटी डिवाइड बाई हंड्रेड इनटू कितना होता है रेज पावर टेन इतना ही लिखना था ना तो आप इसको इजीली कर सकते हो ये आप लिख सकते हो ना अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे ये बन जाएगा वन वन बाई फाइव रेज़ पावर सेवन मैं सारा लिखने वाला हूँ आपके लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए तो इसमें क्या हो जाएगा ये बी इंटू वन प्लस वन बाई फाइव के बराबर हो जाएगा रेज पावर टेन नाउ इसके बाद अगर आप देखोगे ये हो जाएगा ना ए uh, ए मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा फाइव प्लस सिक्स डिवाइड बाई फाइव वही हो जाएगा सिक्स डिवाइड बाई फाइव फाइव इंटू फाइव अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से करोगे तो हो जाएगा इतना तो आएगा आपको लोगों को तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा फाइव फिर से सिक्स डिवाइड बाई फाइव हो गया ना रिजपो ट एन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना यहाँ पे एक चीज़ होती है अगर आप देखोगे यहाँ पे एक चीज़ बनेगी हमें देखो क्या क्या बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे नजर रखना मैं क्या करने वाला हूँ इस स्टेप में देखो मैं यहाँ पे ये ए बी इधर ले जाऊँगा और ये जो है ना ये सिक्स बाई फाइव By 5, आ, यही है ना सिक्स बाई फाइव रेज पावर टेन डिवाइड बाई साइव रेज पावर सेवन आप देखिए अगर बेसिस आर सेम पावर आर सब्ट्रैक्टेड याद रखना वैन बेसिस आर सेम ये फॉर्मूला है बेसिस आर आर सेम सब्ट्रैक्टेड दैट मीनस जो हमारे पास ए बाई बी हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा सिक्स बाई फाइव रेज पावर थ्री याद रखना इतना ही होगा ना अब अब हर किसी को तो पता होती है कि जो हमारे पास क्यूब रूट्स तो हर किसी को याद ये होने चाहिए थर्टी तक तो हमारे पास क्यूब रूट्स याद होने चाहिए तो वो क्या होता है ए बाई बी इंप्लाईज़ ए बाई बी किसके बराबर होगा सिक्स का क्यूब रूट कितना होता है टू वन सिक्स ये याद रखना टू वन सिक्स होता है सिक्स का क्यूब रूट और ये क्या हो जाता है uh, uh, फाइव का क्या हो जाता है ये होता है वन ट्वेंट वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव का क्यूब्रूट हो जाता है ये ये इतना हो गया देखिए अब आप, आप यहाँ पे तो कर सकते हो ना डेटा को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो देखो आपको क्या है ए भी मिल गया बी भी मिल गया चलिए इसको हम क्या मानते हैं टू वन एक्स और इसको भी एक्स मानते हैं क्या मानते हैं एक्स मानते हैं तो हम लिख सकते हैं ना इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ ताकि हमारे जगह बच जाए तो मैं लिख सकता हूँ ना टू प्लस कितना होता है टू वन सिक्स प्लस टू वन सिक्स एक्स प्लस वन टू फाइव एक्स वैसे एक्स मैं लिखता नहीं हूँ तो आपको समझाने के लिए ये मैं अपने हिसाब से डाटा को सेट करता हूँ ताकि इजी हो जाए हर कोई चीज़ करना ये क्या है असल में ये क्या है मैं क्या मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ये अमाउंट है ना ए प्लस बी ही है ना ये इसके बराबर ए प्लस बी ही होगा ना इस अमाउंट के बराबर तो मैं क्या लूँगा वन ट्वेंटी फाइव एक्स इज इक्वल टू वन जीरो कितना है वन ज़ीरो टू थ्री जीरो वन जीरो टू थ्री जीरो वही है वन जीरो टू थ्री जीरो वन जीरो टू थ्री जीरो अब क्या है वन जीरो तो हो गया तो यहां से हमारे पास आप बोल सकते हो ना अगर आप देखोगे ये कितना होता है एक्स वन जीरो टू थ्री जीरो अगर आप आग सिंपली देखोगे ना मतलब uh, इसको uh, किससे हो जाएगा uh, uh, थ्री मल्टीप्लाइड हो गया थ्री फोर ऊपर जाएगा ये थ्री थ्री या नाइन और वन हो गया टेन हाँ ये हो जाएगा से देखिए एक्स ये हो जाएगा वन से और ये हो जाएगा थर्टी से ये ये हो जाएगा थर्टी से ये हो जाएगा थर्टी से हो गया है थर्टी से नाउ हमारे पास एक्स क्या हो गया थर्टी नाउ अगर हमारे पास एक्स थर्टी आ गया अगर हमारे पास एक्स थर्टी हो गया हम इसको कर सकते हैं ना मतलब हमारे पास यूनिटरी मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना ए इज इक्वल टू टू वन सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थर्टी कर सकते हैं ना मल्टीप्लाइड बाई थर्टी तो वो आपको कितना निकलेगा वो निकलेगा जीरो थ्री सिक्स हजार एटीन थ्री वन आर थ्री थ्री और ये कितना हुआ फोर और ये कितना हुआ थ्री टू सिक्स सिक्स फोर एट जीरो एक अमाउंट होगा ए, ए, इतना होगा एंड अगर हम बी देखेंगे वो कितना हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा वो वो कितना हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा वन टू फाइव इंट एक्स एक्स कितना निकला था थर्टी के बराबर तो वो तो वो भी तो आप इजीली कर सकते हो ना ज़ीरो एंड इसके बाद थ्री फाइव आ फिफ्टीन एक uh, कैरी आया थ्री टू आ सिक्स और सेवन थ्री वन आ थ्री थ्री सेवन फाइव जीरो ये हमारे पास भी आया तो टोटली इतना था ये क्वेश्चन तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं मेनली uh, क्या रखनी है ये वाली फार्मूला याद रखनी है तो ये हो जाएगा ये क्वेश्चन नाउ मैथड नंबर टू मैथड नंबर टू क्या बोलता है सीधे आ जाओ परसेंटेज पर किस पे आ जाओ परसेंटेज पर अगर आप देखोगे ना इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट लगता है यहां पे कितने सालों में होगा तो उनको हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ये है ट्रिक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है यहां पे ये तो यहां पे अगर आप देखोगे ना हमारे पास ट्वेंटी परसेंट किसके बराबर होता है ट्वेंटी परसेंट अगर आपको कोई भी बोलेगा किसके बराबर होता है वन बाय फाइव के बराबर तो या, याद रखना अगर हम देखेंगे पहले साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा बेस बेस जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या था फाइव तो बना कितना इंटरेस्ट के बाद सिक्स अगर हम ऐसे ही देखें दूसरे बाल कितना बनेगा फाइव बाई 6. फाइव बाई सिक्स तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना ये हम सीधे इस तरह से कर सकते हैं वन ट्वेंटी फाइव हो गया और ये कितना हो गया सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स ये सिक्स का क्यूब होता है तो ये टू वन सिक्स हो गया क्या हो गया टू वन सिक्स तो यहाँ पे भी हमें वही निकलाना ये प्लस ये हमारे पास क्या निकलेगा ये इसके बराबर करना है किसके बराबर जो जो मैंने यहाँ पर इस वैल्यू के बराबर किया था यहाँ पर टू वन सिक्स प्लस वन टू फाइव के बराबर करना है इसको भी वैसे ही एक्स लेना है जैसे ही आपने किया यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू फाइंड अप करोगे थर्टी तो फिर उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा क्या बोलता है कि ये इस हिसाब से अमाउंट uh, हम जनरेट करवा सकते हैं दिस इज क्वाइट सिंपल अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगी हम डायरेक्टली इस पर जा सकते हैं नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर हम देखेंगे तो जो पॉपुलेशन है किसी टाउन की वो फाइव है कितनी है फाइव हमें किसी पॉपुलेशन की फाइव थाउजेंट हमें किसी आ, आ, टाउन की पॉपुलेशन है कितनी है फाइव थाउजेंड ना अगर हम देखेंगे कि ये बोलता है कि इसमें क्या है मेल्स जो है मेल्स आर इंक्रीज मेल्स हैं कुछ अमाउंट है मेल्स का तो वो किस किस हिसाब से इंक्रीज होते हैं सिक्स परसेंट से इंक्रीज होते हैं क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं और जो फीमेल्स होती है वो क्या हो जाती है वो फोटीन परसेंट से इंक्रीज हो जाती है क्या हो जाती है फोटीन परसेंट से कौन इंक्रीज uh, होती है फीमेल्स याद रखना फोर्टीन परसेंट से फीमेल्स uh, इंक्रीज हो जाती है देन द पॉपुलेशन

सिक्स और एट फोर्टीन कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब मैं क्या करूंगा अब मैं इसको देखता हूं क्या देखता हूं सिक्स परसेंट को इक्वलेंट लाता हूं किसके इक्वेलेंट लाता हूं इस हिसाब से निकालता हूं सिक्स परसेंट का वैल्यू क्या निकलेगा किस हिसाब से फाइव थाउजेंड के हिसाब से देखो अगर मैं सिक्स परसेंट के हिसाब से यूनिटरी मैथड से देखता हूं तो वो क्या निकलेगा सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव थाउजेंड तो सिक्स वाना सिक्स होगा और यहां से क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा ये परसेंटेज का है तो ये हो जाएगा सिक्स बाई हंड्रेड तो अगर हम यहां पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा तो इसको हम क्या करें हम यहां पे क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि सिक्स परसेंट किसके हिसाब से निकलेगा मतलब फाइव थाउजेंड का हमारे पास सिक्स परसेंट क्या निकलेगा देखिए हम अगर यहां पे देखेंगे इस फाइव फाइव थाउजेंड का सिक्स परसेंट क्या निकलेंगा? वो हम ऐसे देखते हैं देखो वो क्या करेंगे हम सिक्स हंड्रेड डिटू फाइव थाउजेंड क्या करेंगे फाइव थाउजेंड तो यहां से ये कटेगा और अगर हम देखेंगे सिक्स जीरो जीरो सिक्स फाइव जो थर्टी कितना निकला थ्री हंड्रेड कितना निकला थ्री हंड्रेड तो अगर हम देखेंगे इस इस सिक्स परसेंट का वैल्यू क्या है ये थ्री हंड्रेड है तो इंक्रीज असल में कितना हुआ है तो अगर हम देखेंगे इंक्रीज कितना हुआ है फाइव हंड्रेड फोर्टी 540 तो हम बोल सकते हैं ना अगर हम 6% परसेंट है कितना सिक्स परसेंट थ्री है तो 300 हंड्रेड माइनस uh, अगर हम 540 से 300 निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं ना 240 जो वो इसका वैल्यू होगा ये ये, ये इस टू uh, फोर्टी की वजह से ये इस परसेंट की वजह से 240 बढ़ गया है तो हम ब, बना सकते हैं ना 8% परसेंट इज्कल टू टू फोर्टी तो आप बोल सकते हो ना एट वन आर एट फोर आट थ्री ट्वेंटी फोर एट जीरो तो वो आप बोल सकते हो ना एट कितना हो गया गया, वो हो गया थर्टी एक परसेंट थर्टी हो गया तो आप वहां इजीली तो निकाल सकते हो ना हंड्रेड परसेंट कितना हो गया हंड्रेड परसेंट कितना हो गया तो वो कितना हो गया थर्टी इंटू हंड्रेड तो वो कितना हो गया वो हो गया थ्री थाउजेंड कितना हो गया थ्री थाउजेंड तो इतना तो आपको निकल गया तो अब आपके पास पता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ जो हमारे पास अगर हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन जो पहले ये थी ना हमारे पास अगर हम परसेंटेज हिसाब के साथ देखेंगे वो कितनी निकली हमारे पास थ्री थाउजेंड निकली तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहां पे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फीमेल्स फेम, थी वो पहले क्या थी थ्री थाउजेंड थी नाउ अगर हम इसी अब क्या हमें बोलना है कि इसी के हिसाब से हमें बोलना है कि जो हमारे पास क्या हुई है अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास इंक्रीज कितना हुई है फीमेल्स की वो 14 परसेंट इंक्रीज हो गई है तो अगर हम 14 परसेंट देखेंगे किसका 14 परसेंट डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू थर्टी का 40 परसेंट देखेंगे तो ये कट हो गया तो वो कितना हो गया फोर्टीन इंटू अगर हम देखेंगे वो कितना होता है वो फोर होता है जीरो थ्री फोर आट ट्वेल्व वन कैरी थ्री वन आट थ्री और फोर फोर हो जाए जाएगा। हाँ फोर हो जाएगा नौ अगर हम देखेंगे यहां से तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना अब मतलब या तो आप माइनस कर लो या तो आप सीधे ही, ही देखो सिक्स परसेंट ऑफ थ्री ऐसे भी कर सकते हो या तो उससे माइनस कर सकते हो जो हमारे पास अमाउंट था इधर से माइनस करो आपको वैसे

Sorry, 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 sorry. यहां पे तो थ्री हमारे पास थ्री थाउजेंड क्या था तो मेल्स कितने थे पहले टू थाउजेंड टू थाउजेंड सॉरी हमने गलत किया था यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स टूट टूल्व तो ट्वेल्व वन ट्वेंटी हो जाता है कितना हो जाता है वन ट्वेंटी हो जाता है तो हम लिख सकते हैं ना टू थाउजेंड प्लस वन तो क्या हो गया जीरो टू और, और वन और टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी यह हमारे पास वैल्यू आ गया पहला हमने क्या किया तो क्विक सी ली रिविजन हमने क्या किया ब्रेक किया यहां पे हमने अगर हम देखेंगे पांच फाइव थाउजेंड हमारे पास टोटल पॉपुलेशन थी तो फिर हमारे पास मेल्स कितने थे सिक्स परसेंट से इंक्रीज हो रहे थे और फीमेल्स किस हिसाब से इंक्रीज हो रहे थे फोर्टीन परसेंट से इंक्रीज हो रहे थे तो हमने क्या किया कि परसेंटेज को ब्रेक किया हमने बोला कि सिक्स प्लस हमने यहाँ पे क्या किया सिक्स प्लस एटी एट परसेंट भी फोर्टीन ही होता है तो हमने फिर यहां पर क्या किया यूनिटरी मेथड से हमने किया कि सिक्स परसेंट ऑफ फाइव थाउजेंड निकाला तो हमने देखा ट्वेंटी uh, तो तो uh, निकला तो उसके बाद वो कितना हो गया थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी ना अगर हम इसके बाद देखेंगे, अगर हम देखेंगे पहले पॉपुलेशन कितनी थी अगर गर्ल्स uh, की फीमेल्स की कितनी थी ये होगी ये वैल्यू होगी पॉपुलेशन होगी वो 2000 थी तो उसी हिसाब से तो हम उसकी परसेंटेज भी निकालेंगे ना तो वो कितना हो गया 6% डिवाइड बाय 100 into, कितना होगा 6% ऑफ इसके इसका 2000 का तो वो कितना हुआ 120 तो 2000 प्लस 120 ये हमारे पास निकले नंबर ऑफ मेल्स याद रखना नंबर ऑफ मेल्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस वन तो इसके बाद क्या हो और ये हमारे था ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास अब आते हैं इस क्वेश्चन पे ये हमारे पास था किसका नंबर सिस्टम पे नंबर सिस्टम में क्या बोलता है कि जो हमारे पास सेवन रेज फॉर एटी वन प्लस सेवन रेज फॉर एटी टू प्लस सेवन एटी थ्री इसमें क्या था कि हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए थे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया था हमारे पास देखिए कि ये किससे डिवाइड होता है इसमें ऑप्शन था लाइक like, थ्री 389, नाइन थ्री एटी नाइन थ्री सेवेंटी नाइन कुछ ऐसे ही ऑप्शन थे मुझे याद नहीं है तो इसमें क्या हिट होता था थ्री नाइन्टी नाइन मुझे वो देखना है कि वो कैसे आता था तो इसमें क्या होता है कि देखो हम क्या बोलते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं ना अगर जैसे कि हम अगर हम देखेंगे अगर हम कभी लिखते हैं ना फोर इंटू थ्री प्लस फोर इंटू वन प्लस फोर इंटू टू प्लस थ्री हम ऐसे लिख सकते हैं ना उसको हम क्या करते हैं फोर को हम कॉमन निकालते हैं हम निकालते हैं फोर को बोलते हैं हम कॉमन निकालेंगे हम लिखते हैं फिर थ्री प्लस वह है ना अगर हम यहाँ से ये यह निकालेंगे ये फोर ही तो हो गया यहाँ पे वन हो जाएगा प्लस ये कितना होगा टू प्लस थ्री ऐसे तो हम निकालते हैं ना फोर को बाहर ताकि हमें हमारे पास जो चीज़ें हो जाएगी वो आसान हो जाएगी तो यहाँ पे भी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट किया यही कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं ताकि इतने बड़े वैल्यू को हम थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करें फिर अगर हमें वो इंटू में आ जाएगा तो हमें पता ही है इंटू मीन्स अगर ये मल्टीपल है इसके तो ये इसका फिर फैक्टर भी बन सकता है तो वो उसको फैक्टर क्या होता है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा नाउ इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं हम यहाँ पे भी तो हम 80 निकाल सकते हैं यहां पे भी 80 निकाल सकते हैं यहां पे भी 80 निकाल सकते हैं यहां पे भी 81 निकाल सकते हैं यहां पे भी 81 निकाल सकते हैं यहां पे भी नाउ 82 तो हम नहीं निकाल सकते क्यों नहीं निकाल सकते ये यह यहाँ पे तो खुद ही यही है तो फिर ये माइनस में हो जाएगा तो उससे और कैलकुलेशन वाई भी होगा लेकिन कैलकुलेशन और और बढ़ जाएगी नौ हम क्या करेंगे यहाँ पर सेवन एटी इससे निकालेंगे ये वन निकलेगा ये कितना होगा सेवन रेज पावर कितना हो जाएगा सेवन रेज पावर टू अगर हम देखेंगे नहीं सेवन रेज पावर वन

ये हो गया सेवन रेज फोर एट्टी वन और ये हो गया फिफ्टी सेवन देखो हम क्या देखेंगे कि ये किस अगर हम यहाँ से और एक सेवन निकालेंगे देखो हम उस हिसाब से देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन फिट होता है तो हम उसी हिसाब से जाते हैं अगर हम सेवन इंटू फिफ्टी सेवन करते हैं सेवन इंटू फिफ्टी सेवन करते हैं तो वो कितना सेवन सेवन फोर्टी नाइन फोर कैरी हो गया सेवन फाइव ज़्यादा थर्टी फाइव और थ्री थर्टी नाइन तो हमारे पास ये आंसर हिट होता है तो हम वो बना सकते हैं ना सेवन रेज फॉर एट्टी इंटू सेवन इंटू फिफ्टी सेवन कर सकते हैं ना दैट मीन्स कि अगर ये इसका मल्टीपल है तो ऑब्वियसली बात है तो वो इस नंबर को तो डिवाइड करेगा ना अगर ये इसका मल्टीपल मल्टीपल है अगर हम इनको इनटू करेंगे और उसको थ्री नाइन्टी नाइन से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली तो वो तो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा ना ये था इस क्वेश्चन के बारे में अब आते हैं इस क्वेश्चन पर यहाँ पर क्या है हमारे यहां पे हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी हमारे पास किस किससे है नंबर सिस्टम से है नाउ अगर हम यहां पे देखेंगे यहां पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं वी बॉड बी ओ डी एम एस एस वी बॉड मॉस के का हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है क्या है वी बॉड मॉस का क्वेश्चन है नाउ इसमें अगर हम देखेंगे ये, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये ये क्या होता है ये होता है विनिकुलम विनीकलम विनीकलम में क्या आता है हमारे पास एक तो हमारे पास इसको हम बार भी कहते हैं क्या कहते हैं बार भी कहते हैं इसमें को क्या आता है जो हमारे पास बा, बार के अंडर आते हैं ना चीज़ पहले जो एलिमेंट्स हमारे पास बार के अंडर आते हैं पहले वो सॉल्व आते हैं फिर इसके बाद क्या हो जाता है जो हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं चाहे वो कर्ली हो चाहे वो स्ट्रेट हो कोई भी, भी ब्रैकेट हो फिर हम उस उस पर जाते हैं इसके बाद ओफर तो आपको पता ही है ऑफ होता है डिवीज़न इसके बाद डिवीज़न आता है डिविजन वाला रूल आता है डिवीजन सॉल्व हो जाता है इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एंड फिर एडिशन हो जाता है और फिर ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हो जाता है याद रखना सब्ट्रैक्शन हो जाता है सॉल्व तो यहाँ पे हमें किस पर फोकस जाना था मुझे यहाँ पे क्या लगा था कि यहाँ पे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मेनली सारे तो नहीं होंगे कुछ तो हो तो गए तो जिनको होगा कॉन्सेप्ट तो वो कर लेंगे इसको जिन्होंने गलत दिया था उनके लिए एक बेटर विजन के साथ ये बोल रहा हूँ पहले कौन होगा ये वाला एलिमेंट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा देखिए ये हम कैसे सॉल्व करेंगे वेट पहले हम इसको उठाएंगे इसको यहाँ पे छोड़ना है अभी हमें इसको इसको हमें छोड़ना है हमें पहले इस वाले को अगर हम देखेंगे एट एट प्लस थर्टीन अगर हम देखेंगे वो कितना होता है एट थ्री या ट्वेंटी ये अगर हम देखेंगे ये कितना हुआ एटीन और टेन ट्वेंटी एट होता है ट्वेंटी एट और थ्री थर्टी वन होता है याद रखना थर्टी वन होता है इसके बाद माइनस एटीन हो जाएगा अगर हम इसको थर्टी वन से माइनस क्या करेंगे थर्टी वन से क्या करेंगे तो ये क्या होता है अगर हम एटीन इंटू थर्टी वन करेंगे ये हो जाएगा माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन हो जाएगा तो बाहर क्या है अगर आप देखोगे माइनस अगर हमने देखा ये हो गया माइनस थर्टीन यहाँ पर ट्वेंटी फाइव आ गया ये भी ब्रैकेट के अंदर है ना पहले हम ब्रैकेट को ही खत्म करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट और ब्रैकेट प्लस हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टीन अगर आप हाँ देखोगे फाइव थ्री एट और थ्री ये कितना बन जाएगा थर्टी एट कितना बन जाएगा थर्टी uh, एट बन जाएगा ना बाहर क्या है फोर्टी टू में से थर्टी एट निकालो फोर्टी टू में से थर्टी एट निकालो तो वो कितना हो जाएगा थर्टी फोर

ऐसे सॉल्व करते हैं देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारे पास सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास uh, क्या बोलता है कि अगर हम देखेंगे एवरेज किसके बराबर होता है एवरेज हमेशा बराबर होता है uh, जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स या सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनका सम डिवाइड बाई कितना होता है जितनी टर्म्स होगी उस हिसाब से हमारे पास एवरेज निकलता है नंबर जो हमारे पास क्या होता है मैं अच्छे से लिखता हूँ उनको सम ऑफ जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकालेंगे ना क्या निकालेंगे थ्री रेज पावर थर्टी प्लस थ्री रेज पावर सिक्सटी प्लस थ्री रेज पावर नाइन्टी डिवाइड बाई थ्री है और इसका क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे हाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट दिखाया था कहां पे सेकंड एक सेकेंड यही पे मैंने एक कॉन्सेप्ट दिखाया था आई थिंक कहाँ पे दिखाया था यार कहां पे दिखाया था कहाँ गया ये यहां पे वेरी गुड यहाँ पे ए बाई बी जब बेसिस और सेम तो जो पावर्स होती है वो क्या होती है वो सब होती है तो वो यहाँ पे भी तो लगेगा वही तो यहाँ पे लगेगा मैं इसको लिख सकता हूँ ना थ्री रेज फोर थर्टी डिवाइड बाई थ्री प्लस थ्री रेज पावर सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री प्लस थ्री रेज पावर नाइन्टी डिवाइड बाई थ्री सिंपल तो है बेस सर सेम पावर सर इसको रेज पावर वन रेज पावर वन रेज पावर वन बेस सर सेम इसको आप लिख सकते हो ना थ्री रेज पावर ट्वेंटी नाइन प्लस थ्री रेज़ पावर कितना हो गया फिफ्टी नाइन एंड प्लस थ्री पावर एटी नाइन सिंपल क्वेश्चन था बस कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए थी इजीली सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है जो हमारे पास ए अगर हमारे पास ए रेज पावर ए रेज पावर एन Y, वो क्या होता है A, N -Y, याद चलिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पर यही मस्त क्वेश्चन था क्लासिक क्वेश्चन था इजी था बस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए था एवरेज का देखिए यहां पे क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट वही लगेगा फिर भी एवरेज क्या होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है देखो यहां पे क्या बोलता है ये सॉरी द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ एम नंबर ऑफ टर्म्स एम नंबर इज द जो हमारे पास द एवरेज ऑफ एम नंबर्स इज एम नंबर्स है कुछ उनकी एवरेज जो है वो एन रेज पावर फोर है तो हम लिख सकते हैं ना एम नंबर्स है देखो हम डिवाइड बाई तो उनका सम सम किसके बराबर है किसके बराबर है एन बाई फोर के यही लिख सकते हैं ना क्या बोलता है द एवरेज ऑफ एम नंबर है उनकी एवरेज कितनी है एन बाई फोर एवरेज पॉल फोर है और क्या बोलता है अब क्या बोलता है इसके बाद और बोलता है द uh, क्या बोलता है द एवरेज अगर हम देखेंगे द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज एवरेज पॉल फोर अगर हम देखेंगे अब फिर से वही कॉन्सेप्ट क्या होगा सम डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू एम रेज पावर फोर यही है अब ये बोलता है द एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर इज एम प्लस एन नंबर क्या होगी उनकी एवरेज क्या होगी सिंपल है यहां पे क्या आप निकाल सकते हो यहां पे आप बोल सकते हो ना सम किसके बराबर है सम किसके बराबर है बोल सकते हो ना एम इन टू एन रेज पावर फोर यहां पे क्या बोल सकते हो सम किसके बराबर है एम फोर रेज इन टू एन वही है इजी है ना वहाँ पे एन रेज पॉवर फोर यहाँ पे एम रेज पॉट फोर अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है इसने पूछा है अब आप हमें दीजिए द एवरेज ऑफ एम प्लस एन हम आप आप हमें अब बोलिए एम प्लस एन की क्या एवरेज होगी आप तो वो सिंपली लिख सकते हो ना एम की एवरेज क्या होगी वो आप लिख सकते हो ना एम एन रेज पॉवर फोर प्लस एन एम वही लिख सकते हो ना एन एम रॉर फोर डिवाइड बाई एम प्लस एन वही लिख सकते हो ना यहाँ से निकाल के आप यहाँ पे चिपका सकते हो सम सम इतना निकला सम हमारे पास ये निकला और नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकलेंगे एम प्लस एन वही होगा वही होगा सिंपल है नाउ एवरेज किसका निकालना है एम प्लस एन का वही निकलेगा ना तो इसके बाद क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे देखेंगे एम एन यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं तो ये एन फोर प्लस एम uh, फोर निकलेगा ना तो डिवाइड बाई डिवाइड बाई क्या निकलेगा एम प्लस एन वही निकलेगा तो यहां पे क्या कर सकते हो आप अगर आप यहां पे देखोगे यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे क्या करोगे आप तो यहां पे क्या हो जाएगा ये एम रेस्ड पावर एन सॉरी एम रेज पॉर एन हाँ हमने यहाँ पे क्या निकाला था एन रेज पॉ थ्री सॉरी हमने जब यहाँ पे ये यह बराबर निकाला था तो यहाँ पे ये एन रेज पॉ थ्री और एन रेज पॉर थ्री निकलेगा तो एन रेज पॉर थ्री और एम रेज पॉर थ्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एम प्लस एन तो अब क्या अब यहाँ पे क्या होगा ये हमारे पास m रेज पॉर n अगर हम इसकी फार्मूला देखेंगे वो किसके बराबर होती है n जो हमारे पास अगर हम देखेंगे m प्लस एन इंटू किसके बराबर होगी एन स्क्र प्लस ये फार्मूला है एन स्क्वायर ए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फार्मूला है एम स्क्वायर माइनस एम इंटू एन वही होगी डिवाइड बाई एम प्लस एन याद रखना ये और ये कैंसल तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा एम इंटू एन एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन मीन्स यहाँ पर याद रखना जो हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है एम इंटू एम एन इंटू एम स्क्र प्लस एम स्क्र माइनस एम एन ये हमारे पास पूरे जो हमारे पास कल के सेशन के क्वेश्चन होंगे थैंक थे, थे, यू अल्लाह हाफिज़ टेक केयर तो मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो बाकी थैंक चलिए दोस्तों पहले मिलिए हमारी फ़ैमिली से ये है आपकी और हमारी फैमिली इसको हम बोलते हैं लर्नेस की फैमिली जैसे ही आप यहाँ पे आओगे पहले क्या करोगे आप सब्सक्राइब करोगे पहले मैं नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करोगे पहले आप क्या करोगे पहले आप ये जो यहाँ पे हम एम लाते हैं प्रीवियसली आस्कड या जो आस आस्क होने के चांसेस होते हैं उनको यहाँ पर ट्राई एक मारो ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है यानी जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें बूस्ट मिल जाए और उसके बाद जब आपको अच्छा लगेगा फिर आके यहाँ पर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपस में क्या रहेंगे कनेक्टेड रहेंगे और अगर हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए तो चलिए ऑन करते हैं अपने एम सीक्यूज पे